आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। आरएमएस को किंग जॉन्स रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था, जहां पर स्कूल का काम था डिफेंस पर्सन के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। 1952 में स्कूल को रिकॉग्नाइज किया गया था और डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स एज वेल एज सिविलियंस दोनों के बच्चों के लिए एडमिशन ओपन किए गए। 1954 में स्कूल जो है वो IPSC यानी इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का मेंबर बन गया। ये मेंबरशिप अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद 1966 में स्कूल का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल रखा गया और फाइनली 25 जून 2007 में मिलिट्री स्कूल का नाम बदलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रख दिया गया। आज इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जैसे कि RMS चेल हिमाचल प्रदेश, RMS अजमेर राजस्थान, RMS बेलगाम कर्नाटका और RMS बेंगलोर, RMS धौलपुर राजस्थान। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन 6th, 9th और 11th क्लास के लिए होते हैं। सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इस रिटन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स के ऊपर स्कोर करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक बार इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, जो कि 10 सितंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं भरने और जिसके भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट होगा, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म के लिए अप्लाई करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।